हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर में जो आपका यूनिट नंबर 7 है, उसमें आपकी एक पोएम है, द लेक हेजल ऑफ इनिसफ्री। तो ये जो पोएम है आपकी, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि इस पोएम से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनकर आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस हमेशा शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर देंगे और क्या पता वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर को भी देखेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट डिजायर टू एस्केप इनटू द पीसफुल एंड लॉनली एटमॉस्फेयर ऑफ इनिसफ्री। स्टूडेंट, जैसा कि जो पोएम है द लेक हेजल ऑफ इनिसफ्री, तो इसको मैंने, इस पोएम को मैंने पूरा वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड की मीनिंग बताकर पढ़ा लिया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन को कर नहीं पाएंगे। इसके एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसा कि पोएम हमने जब पढ़ा था, तो इनिसफ्री क्या था? इनिसफ्री एक ड्रीम प्लेस था पोएट का, जहाँ वे वो रहने की इच्छा करता है। तो वो एक ऐसे जगह पे रहने की इच्छा क्यों करता है जो बहुत ज्यादा पीसफुल एंड लॉनली हो, यानी जहाँ पे एकदम शांति और वो अकेला हो। तो देखिए, इसका आंसर है, द पोएट इज ग्रेटली टायर्ड ऑफ हिज मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ द सिटी लंदन। ही इज वरीड ऑफ द हस्टल एंड बस्टल ऑफ दिस वर्ल्ड। ही फील्स दैट लाइफ ऑफ मटेरियलिज्म इज नॉट द लाइफ ऑफ प्लीजर। ही फाइंड ट्रू पीस एंड जॉय, बट ही इज अनेबल टू फाइंड ट्रू पीस एंड जॉय इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ टेंशन। सो ही डिजायर टू एस्केप टू द आइसलैंड ऑफ इनिसफ्री। देखिए, पोएट जो है वो लंदन की मटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत ज्यादा थक चुका है। वो इतना ज्यादा लंदन की भाग दौड़ से उब चुका है, उसके शोरगुल से बोर हो चुका है, और वो एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहाँ पे एकदम सुकून और शांति हो, और उस जगह पे वो एकदम अकेला हो और नेचर के भी करीब हो। तो उसे जब ये चीज़ फाइंड करता है, तो उसे इस वर्ल्ड में वो पीस, वो जॉय नहीं मिलता। तो इसलिए पोएट एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहाँ पे वो एकदम अकेला हो और वो जगह एकदम सुख देने वाली, सुकून देने वाली हो। तो उसके मन में ख्याल आता है एक आइसलैंड इनिसफ्री का। ये एक ऐसा आइसलैंड है जो इस पोएम में पोएट का ड्रीम प्लेस है, जहाँ पर वो रहने की इच्छा करता है कि वहाँ पर एकदम अकेला होगा और एकदम सुकून से होगा, और वो लंदन की भागदौड़ और शोरगुल से बहुत दूर हो जाएगा, और वो अपनी बची कुची शेष जिंदगी को इसी आइसलैंड में गुजार देगा। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हेन डज द पोएट इमेजिन टू गो टू द आइडियल प्लेस ऑफ इनिसफ्री। यानी जब पोएट मतलब अपने आइडियल प्लेस इनिसफ्री जाने के लिए इमेजिन कर लेता है, तो फिर क्या होता है? देखिए, व्हेन द पोएट सीज अ फाउंटेन इन अ शॉप विंडो, ही रिकलेक्ट्स हिज इमोशन एसोसिएटेड विद द लेक हेजल ऑफ इनिसफ्री। He makes up his mind to go to the lake country, the ideal world of beauty, peace and internal blisses and settle there. देखिए, जब poet imagine कर लेता है तो वो इनिसफ्री जाएगा, तो इनिसफ्री उसके लिए एक आइडियल प्लेस बन जाता है, और वो अपनी सारी इमोशंस को उसी के लिए कलेक्ट कर लेता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और मेरी जितनी भी इमोशंस हैं वो यहाँ से लंदन की शोरगुल से दूर हो जाएंगी, और मैं वहाँ जाकर अपनी पूरी इच्छाओं को पूरा करूँगा। और वो उसके लिए एक ऐसा प्लेस बन जाता है जो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, पीस एंड इंटरनल ब्लिसेस ऑफ सेटल देयर, यानी कि वो उस दुनिया का
पोइट के लिए वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा शांति, और उसके जो आंतरिक इच्छाएं हैं, आंतरिक इच्छा का क्या मतलब है इस पोएम में पोइट के लिए, कि पोइट की इच्छा ये है कि वो एक ऐसी जगह पे रहने लगे जहाँ पे एकदम सुकून शांति और वो अकेला हो। तो इनिश्री एक ऐसी ही जगह रहती है जहाँ पे उसकी आंतरिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और वो हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका इस पोएम से बनता है, वो है व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन ही विजिट्स द आइलैंड ऑफ इनिसफ्री, यानी जब पोएट इनिसफ्री चला जाएगा तब वो वहां पे जाकर क्या क्या करना चाहता है और क्या क्या करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, तो ये आपसे भी पूछने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए अब जब पोएट इनिसफ्री चला जाएगा तो वो क्या क्या करेगा वहां जाकर। द पोएट वॉन्ट्स टू विजिट द आइसलैंड ऑफ इनिसफ्री फॉर जॉय एंड पीस, यानी जब पोएट वहां पे चला जाएगा अपने जॉय एंड पीस के लिए, ही थिंक्स दैट ही वुड बिल्ड अ स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड ट्विस्टेड ट्विंग एट दैट प्लेस। तो वो वहां उस जगह पर जाकर के एक स्मॉल हट बनाएगा, यानी एक छोटी सी झोपड़ी बनाएगा। जैसा कि हमने जब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बता के बता दिया है कि वहां पे एक मिट्टी और पेड़ की घुटी हुई टहनियों से एक अपने लिए छोटी सी झोपड़ी बनाएगा जिसमें वो रहेगा। ही वुड प्लांट देयर 9 rows of beans टू सर्व एज अ वेजिटेबल गार्डन, और वहां पे 9 कतारें वाले सेम के पौधे भी लगाएगा जो उसके लिए एक वेजिटेबल गार्डन होंगे, यानी जो उसकी वेजिटेबल की इच्छा होगी तो वो गार्डन पूरा करेंगे। और उसके अलावा वो वहां पे क्या करेगा, ही वुड कल्टिवेटेड बी हाइव्स देयर वेयर द बीज वुड सप्लाई हिम विद फ्रेश हनी, और उसके अलावा वहां पे मधुमक्खियों को पालेगा जो उसे एकदम फ्रेश और ताजा हनी प्रोवाइड करेंगी। तो ये कुछ पोएट की इच्छाएं हैं वहां जाकर जो कुछ वो करने वाला है। और ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं कह रही हूँ आप इस पूरे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, इस पोएम की ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट इमेजिन व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट्स ऑफ द सिटी लंदन। देखिए स्टूडेंट्स पेवमेंट्स मतलब होता है ना सड़क के किनारे जो पक्का रास्ता बना होता है उसे पेवमेंट्स कहते हैं। तो पोइट क्या इमेजिन करता है, जब वो लंदन के पक्की सड़कों के किनारे पर खड़ा होता है तो क्या चीजें इमेजिन करता है। देखिए ये क्वेश्चंस जो है इसमें फिर यही बात आ जाती है कि जब वो लंदन की पक्की सड़कों पे खड़ा होता है तो वो जो इमेजिन करता है वो उसके ड्रीम पैलेस आइसलैंड से जुड़ा हुआ ही एक ख्याल होता है। देखिए वो ख्याल क्या होता है, आंसर है आपका व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट्स ऑफ द सिटी द पोएट इमेजिन्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ आइसलैंड, ही हियर्स इन हिज हार्ट द साउंड ऑफ द वेव स्ट्रीकिंग अगेंस्ट द सी शोर। देखिए पोएट ये सोचता है कि जब वो लंदन की सड़कों पे खड़ा हुआ होता है तो उसके मन में फौरन से ख्याल आ जाता है आइसलैंड इनिसफ्री की ब्यूटी की, वहाँ की खूबसूरती का ख्याल उसे आ जाता है और उसे सुनाई देता है, वो अपने दिल से एकदम सुनता है, अपने दिल की गहराइयों से वो सोचने लगता है, उसी में खो जाता है और वो सुनता है कि जो इनिसफ्री में जो एक लेक है वो लेक यानी वो झील अपने शीशोर यानी समुद्र तट जो होता है उसे शीशोर बोला जाता है, तो अपने शीशोर पर उसकी उस लेक का पानी उठता है, उसकी लहरें उठती हैं और समुद्र तट से टकराती हैं तो एक आवाज़ निकलती है, क्योंकि जब स्टूडेंट समुद्र की लहरें समुद्र तट से टकराती हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, तो वही आवाज़ पोएट को सुनाई देने लगती है। और पोएट लंदन की ऐसी सड़कों पे खड़ा हुआ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और शोरगुल होता है गाड़ियों के आने जाने से, लेकिन फिर भी पोएट को वो आवाज़ें नहीं सुनाई देती, उसके मन में जो अपना आइसलैंड बस जाता है बस उसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो कहता है इवन नॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन कैन नॉट सपर्स दीज म्यूजिकल साउंड दैट ही हियर्स इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट। देखिए जब पोएट लंदन की सड़कों पे खड़ा होता है तो उसे बस वही समुद्र से टकराने वाली आवाज़ यानी झील का जो पानी है जब वो समुद्र से टकराता है तो जो आवाज़ उत्पन्न करता है
पोएट को लंदन की सड़कों पे खड़े होकर सिर्फ वही आवाज सुनाई देती है। लंदन की सड़कों पे जो आने जाने का शोरगुल है वो पोएट को नहीं सुनाई देता है। तब पोएट कहता है कि ये जो समुद्र तट से टकराकर झील का पानी आवाज उत्पन्न करता है, तो लंदन की सड़कों पर ये जो शोरगुल है उस शोरगुल को दबा देता है। यानी झील का पानी लंदन के सड़कों का शोर दबा देता है, या लंदन की सड़कों का शोर पानी की आवाज को नहीं दबाता, पानी का आवाज जो निकलती है टकरा करके वो लंदन के शोरगुल को दबा देती है। और ये पानी की आवाज इतनी ज्यादा मधुर है, इतनी ज्यादा अच्छी है, सुख देने वाली है कि मैं अपने दिल की गहराइयों से, अपने दिल के आंतरिक हिस्सों से उसको सुनता हूँ और वही आवाज मुझे अच्छी लगती है, ना कि ये लंदन की शोरगुल वाली आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती। बस मुझे वही झील के पानी जब सी शोर से टकराता है, आवाज उत्पन्न करता है, वही आवाज मुझे अच्छी लगती है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इस पोएम से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए, या फिर आप इनको स्क्रीनशॉट करके भी लर्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में और भी पोएम्स हैं तो उनका रिफरेंस, कॉन्टेंट, एक्सप्लेनेशन मैं करा चुकी हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उनमें कई पोएम्स का मैंने क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी कराया है और वो तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको देख लीजिएगा। और अपने पूरे इस यूनिट्स को पढ़ने के लिए एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से, वहां पर आपको अपनी सभी यूनिट्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।